हेलो एंड वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड टुडेज टॉपिक इज कंप्यूटर मेमोरी। तो आपको स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं मेमोरी क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबके लिए स्पेशली हम ये वीडियो बना रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं वो उसको ज़रूर देख लें, ताकि ये सीरीज़ जो है ये अच्छे से चले हम लोगों का। जब आप पहला, दूसरा, तीसरा देखेंगे तब ये चौथा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप उसको ज़रूर देख लिए और नोट्स बराबर बनाते रहिए, ठीक है। आप इसको भी देखें, वीडियोज़ भी देखें और बुक्स को भी पढ़ें और फिर अपना नोट बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जस्ट लाइक द ह्यूमन मेमोरी। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कैसे कंप्यूटर मेमोरी को कैटेगराइज किया गया है, कैसे बनाया गया है। एक्चुअली हम लोगों ने बनाया है तो बिल्कुल हम लोगों ने वही कॉन्सेप्ट अपनाया है कि जितनी तरीके की मेमोरीज हमारे पास हैं उसी तरीके की मेमोरीज हम कंप्यूटर को देने का कोशिश किए हैं। तो चलिए समझते हैं कि कितने तरीके की मेमोरीज पहले हम लोग के पास हैं वो समझ लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों के पास 2 तरीके का मेमोरी होता है। एक वो मेमोरी जो जिसमें डेटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है और वो फिर चला जाता है, वॉश हो जाता है। और एक ऐसा मेमोरी हमारे पास होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है और लंबे समय तक स्टोर रहता है, हम उसको फ्यूचर में भी उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कभी कोई टीचर कुछ पढ़ाया आपको तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क के मेमोरी में आप डेटा जाता है, सारा कुछ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो आप भूल जाते हो उसको। तो ये आपका टेम्पोरली काम कर रहा है, कुछ समय के लिए रह रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आप बराबर याद रखते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके मम्मी और पापा का क्या नाम है तो आप बहुत आसानी से बता देते हो, क्योंकि वो आपके मेमोरी में स्टोर है। इट मीन्स हमारे पास भी, ह्यूमन बींग्स पास भी 2 तरीके का मेमोरी होता है। एक प्राइमरी जो कि कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करके रखता है, और एक सेकेंडरी जिसमें डेटा फ्यूचर पर्पज के लिए स्टोर करके रखा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर में भी 2 तरीके का मेमोरी होता है। एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है जिसके लिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे नेक्स्ट में जो ट्यूटोरियल मेरा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कंप्यूटर के मेमोरी के सेकेंडरी पार्ट, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम केवल प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझेंगे। तो मेमोरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेमोरी इज अ प्लेस वेयर वी स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक जगह होता है कंप्यूटर में, एक बनाया गया होता है डिवाइसेस जिनमें हम लोग डेटा स्टोर करके रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा, मेमोरी को समझने से पहले ये भी जानना होगा कि हम उसका जो मेमोरी का जो मेजरमेंट है, उसका जो मापन है, उसको किस यूनिट से करते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, और उससे बड़ा क्या होगा, ये भी समझ लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप दूरी का मापन किलोमीटर और मीटर में करते हो, वेट का मापन किलोग्राम ग्राम में करते हो, उसी तरीके से मेमोरी का मापन जो मेजरमेंट है वो आप बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट में करते हैं। हम सारा तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि बीट दिया हुआ है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंप्यूटर मेमोरी का, ठीक है। तो एक बीट में एक ही बीट का डेटा आता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे जान लीजिए कि बीट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। 4 बीट अगर मिला दिया जाता है, यानी 4 बीट्स मिल जाते हैं, 1 नेबल बन जाता है। उसी तरीके से 8 बिट मिल जाते हैं तो 1 बाइट बनता है, और इसके बाद जो रेंज है वो ये है कि 1024 बाइट्स मिलेंगे तो 1 किलोबाइट बनेगा, 1024 किलोबाइट अगर होगा तो 1 मेगाबाइट बनेगा, 1024 मेगाबाइट होगा तो 1 जीगाबाइट बनेगा, 1024 जीगाबाइट होगा तो 1 टेराबाइट होगा। इसके आगे का डिटेल मैंने दिया नहीं, लेकिन जान लीजिए 1024 अगर टेराबाइट होगा तो 1 पेंटाबाइट बनेगा, उसी तरह से 1024 अगर पेंटाबाइट होगा तो 1 एक्साबाइट होगा बनेगा, उसी तरह से 1024 अगर एक्साबाइट है
तो 1 जेटाबाइट बनेगा, और ऐसे ही आगे की चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन हम लोगों का काम इतने से हो जाएगा, तो बस इतना ही जानते हैं, आगे की चीज़ें रहने देते हैं। तो हमने बता भी दिया, वैसे बताकर हमने बोल के बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं, तो टेराबाइट तक हमने बताया। और हम लोगों को मार्केट में जो अवेलेबल है मेमोरी वो टेराबाइट तक है। ऑलरेडी आप किलोबाइट मेगाबाइट यानी KB MB GB की बात करते रहते हो, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, तो आप जानते हो इन यूनिट्स के बारे में। लेकिन हम लोगों ने एक छोटा सा झलक देख लिया मेमोरी यूनिट के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होती है और कैसे उसको यूज किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी हमने बताया, जैसे कि जैसा हमने एग्जांपल दिया कि भाई इसमें वर्क जो होता है वो मेन मेमोरी इसको बोलते हैं, और जो वर्क होता है इसमें टेम्पोरली वर्क किया जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा ये जाए तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोला जाता है या इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। इंटरनल इसलिए बोला जाता है कि ये डायरेक्ट कंप्यूटर के CPU में होता है, और CPU में कहाँ जुड़ा होता है, मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी दो तरीके का होता है, एक होता है RAM, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, दूसरा होता है ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में लोग समझ लीजिए, इसके दो तरीके का होता है प्राइमरी मेमोरी, RAM और ROM। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं RAM के बारे में। RAM का जैसा फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट स्टोर द डेटा विच द यूजर करंटली यूजेस आर एज वी से इट स्टोर द डेटा टेम्पोरली इन इट। रैम नीड्स पावर आर इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न ऑफ, देन ऑल द डेटा इज इन इट विल बी इरेस्ड ऑटोमेटिकली। देखो ये चीज जो इसमें बताया गया है वो यही बताया गया है कि रैम एक टोटली टेम्पोरली मेमोरी होता है, इसमें कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। जब हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो जब काम कर रहे हो तो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है, तो वो कौन सी जगह होती है, रैम होती है। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं तो कहाँ डेटा स्टोर होता है, उसका रैम में स्टोर होता है। हाँ ये जरूर है, ध्यान देने वाली बात है कि जब तक पावर ऑन रहेगा तब तक रैम में डेटा रहेगा, जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑफ वैसे ही सारा डेटा रैम से इरेज हो जाएगा। इस फीचर को बोलते हैं वोलाटाइल नेचर या वोलाटाइल। तो रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है, यानी पावर ऑन तो डेटा रहेगा, पावर ऑफ तो डेटा वॉश हो जाएगा। इस नेचर को बोलते हैं इस नेचर को बोलते हैं हम लोग वोलाटाइल नेचर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि रोम क्या होता है फिर। चलिए उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रैम भी दो तरीके का होता है, एस रैम और डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम एंड डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, ठीक है। स्टैटिक रिफर्स दैट द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। बात वही है, जो मेमोरी का रैम का जो नेचर है वो पावर जब तक सप्लाई रहेगा। हाँ एक चीज़ इसमें बहुत स्पेशल है कि यस रैम डजंट नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हो कि बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत इसको नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली अपना रिफ्रेश हो लेता है। तो आपको ये इसीलिए ये फास्टर होता है मोर देन एक्सपेंसिव दर, इस फास्टर भी होता है, और लेकिन जो डी रैम है उससे महंगा भी होता है। तो फास्टर है, काम अच्छा कर रहा है तो महंगा तो होगा ही, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डी रैम के बारे में समझते हैं। नोन एज डायनेमिक रैम, इट इज ऑल्सो कंटेंस डेटा ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी। नेचर वही है रैम का ही कि जब तक डेटा तभी तक रहेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी है। डी रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली, ड्यू टू दिस द रैम वर्क स्लोअर दैन द यस रैम। इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, इस बात का ख्याल देखो। यस रैम और ड्रीम रैम में अगर वर्क के हिसाब से देखा जाए तो आपको मैं बता दूँ बेसिक डिफरेंस यही है कि वहाँ पे यस रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, और जबकि डी रैम जो सॉरी यस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता जबकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से यस रैम जो होता है वो फास्ट होता है और डी रैम जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। तो ये है आपके दो टाइप रैम के, मतलब रैम दो तरीके का, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम।
आगे बढ़ते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं रोम के बारे में। रीड मनली मेमोरी एज द वर्ड रिफर्स मेनली इट कैन ओनली रीड मीन्स केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता इस पर। तो रीड राइट फिर करता कौन है, फिर बैलेंस तो कुछ ना कुछ लिखा रहता है तो मैन्युफैक्चरर इस पर राइट करता है। रैम में क्या था कि रैम में रीड राइट दोनों हो सकता था लेकिन रोम में केवल रीड ऑपरेशन होता है। तो कहाँ पे यूज किया जाता है, यूज बाई आवर कंप्यूटर व्हेन वी टर्न ऑन आवर कंप्यूटर इट कंटेंस बायोज ऑफ सिस्टम इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इसमें बायोज के सारे जो है फाइल्स रखे होते हैं। जब कंप्यूटर ऑन होता है आपका तो रोम का यूज किया जाता है, रोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, रोम ही सपोर्ट करता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन होने में। ये नॉन वोलेटाइल होता है, लाइट रहे या लाइट जाए रोम में जो डेटा रखा हुआ है वो रहेगा वहीं पे, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, ना ही हम कुछ लिखने वाले हैं उसमें। तो इसीलिए इसको परमानेंट भी बोला जाता है, परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है। रोम तीन तरीके का होता है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। पी मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो थ्री टाइप्स का रोम होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तीनों क्या हैं। पी रोम जैसा हमने बताया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन दिस व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड देन वी हैव नो राइट टू चेंज आर अल्टर एनी डेटा टू इट। पी रोम के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि एक बार इसमें डेटा लिख दिया गया तो इसमें कोई चांस नहीं है कि इसमें हमको डेटा फिर से उसको रीराइट कर सके। एक बार राइट हो गया तो हो गया, अब उसमें ना चेंजिंग हो पाएगा ना उसको रीराइट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट टू दिस इज ई पी रोम, ये भी पी रोम ही है लेकिन ये इरेजेबल है, इसमें हम डेटा चाहें तो एक बार फिर से उसको इरेज करके चेंज कर सकते हैं, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इन ई पी रोम वी हैव राइट टू चेंज द डेटा। ओके, तो इन दिस वी कैन चेंज द डेटा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। ये बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी चेंजिंग डेटा रिमूव करने की बात आएगी जब, तो कैसे रिमूव होगा, वो अल्ट्रा वायलेट रेज के हेल्प से हम इसको इरेज कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर में कि आप ई पी रोम में डेटा को कैसे इरेज कर सकते हैं, तो आप बताएंगे अल्ट्रा वायलेट रेज के हेल्प से हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो पी रोम और ई पी रोम में क्या अंतर है, पी रोम में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, डेटा इरेज नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें रीराइट नहीं कर सकते, जबकि इसमें आप इरेज कर सकते हो, ये इरेजेबल होता है, इरेजेबल होता है, ठीक है। और कैसे इरेज किया जा सकता है इसको, अल्ट्रा वायलेट रेज के हेल्प से। नेक्स्ट जो ई डबल ई पी रोम है ये भी इरेजेबल है लेकिन यहाँ पे इरेज करने का जो टेक्निक है वो अलग है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस दिए जाते हैं जिससे डेटा क्या होता है हम जो है इरेज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डबल ई पी रोम। तो आज हम लोगों ने क्या समझा, मेमोरी क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, मेमोरी क्या है, कितने तरीके का मेमोरी होता है, उसको मेजरमेंट के लिए उसमें कौन कौन से यूनिट यूज किए जाते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, रैम और रोम, रैम क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, उसी तरह से रोम और रोम के कितने टाइप होते हैं, ये हमने आपको डिटेल में बताया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।